बट चलो चल के दिखाते हैं यार, थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। अरे मेरे पास फूड नहीं है यार, शिट। तो गाइस मैंने थोड़ा सा काम किया था भाई नेदर में, तो देख रहे हो गाइस। अरे सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है एमसी इटर्नल में, यानी माइनक्राफ्ट इटर्नल में। तो गाइस यार, आज हमने थोड़ी चेंजेसेस किए हैं अपने घर में और थोड़ा सा अपने विलेज में भी। तो गाइस मैंने घर में क्या चेंजेसेस किए हैं, मैंने ये बेड हटा करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये मैंने मार्बल से बनाई है, और ये है पॉलिश वाइट कॉन्क्रीट, और ये दो पोर्ट लगा करके मैंने यहाँ पे बेड लगाया। और गाइस मेरे को एक चीज़ पता चली कि भाई मैं जो कह रहा था ना कि डॉगी की स्टिक मेरी खो गई है, बट यार मैं आप लोगों को बताऊं कि डॉगी की स्टिक है ना गाइस, हम किसी भी स्टिक से डॉगी को जो है ना कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टिक से हम डॉगी को ऑपरेट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अभी मैं इसका थोड़ा टेक्सचर चेंज करता हूँ, अभी हम दूसरे कलर का डॉगी रखेंगे, ये वाला रखेंगे अब हम थोड़ा सा वुल्फ टाइप का। तो गाइज मैंने इसका लेवल अपग्रेड किया भाई, मैंने इसका लेवल जो है मास्टर पे कर दिया बिल्कुल 40 पे। और इसका लेवल अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को बस क्या चाहिए होता है, आपको बस ये एक ट्रीट होती है, इसमें ये रही, ये ट्रीट खिलानी पड़ती है, और इस ट्रीट को बनाना बहुत आसान है। और उसके अलावा जब ये ट्रीट का लेवल अप हो जाएगा तो आपको ये सुपर ट्रीट बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको गोल्डन एप्पल चाहिए, और इससे 5 ट्रीट बन जाती है भाई एक गोल्डन एप्पल से। और फिर उसके बाद आपको मास्टर ट्रीट बनानी पड़ती है, और मास्टर ट्रीट के लिए डायमंड चाहिए होगा, जिसके लिए आपको 5 बन जाएंगी। और फिर उसके बाद आती है भाई डायर ट्रीट, और तो डायर ट्रीट के लिए भाई एंड स्टोन चाहिए होता है। और उसके अलावा गाइज अभी तक हमने इसको सुपर ट्रीट खिलाई है, इससे ऊपर कुछ नहीं खिलाया, ठीक है। तो गाइज हमारा डॉगी जो है बिल्कुल एकदम ख़तरनाक हो चुका है, इसकी इन्वेंट्री भी आ चुकी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, 3 इन्वेंट्री है, मैं इसकी इन्वेंट्री में कुछ रख भी सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी और नहीं पता ये क्या करता है। तो गाइज आज हम कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो यार मैं आप लोगों को थोड़ा सा घर दिखा देता हूँ। तो गाइज लास्ट टाइम हमने जो है एनर्जी सोर्स बनाया था, हम पानी से जो है थोड़ी सी एनर्जी ले रहे थे, और ये इसका जनरेटर है। ये कैसे बनाया भाई, तो आप लास्ट वीडियो देख लो, पता चल जाएगा आपको। तो गाइज ये एनर्जी जा रही थी हमारी इसके अंदर, ठीक है, ये तो चलो फुली है एक तरह से। बट यहाँ से गाइज देखो, मैंने एक कनेक्शन है ना, मैंने यहाँ से लिया है, जो कि जा रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जा रहा है ये कनेक्शन इधर, और इधर से थोड़ा सा और आगे जाएगा, और फिर ये कनेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, वेट अ सेकेंड गाइज। तो यहाँ से ये कनेक्शन जाता है भाई यहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, ये रहा, ठीक है। तो ये मुझे इतने सारे ये जो है ये एनर्जी लेज़र रिले मेरे को इसलिए लगाने पड़े इतने सारे, क्योंकि भाई ये ना ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे काम नहीं करते, तो इनको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है, 8 ब्लॉक 9 ब्लॉक छोड़ के, तब ये कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन कुछ दे दिए हैं, वहाँ से एनर्जी आ रही है इस बैटरी में, और बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो बैटरी गाइस हमारी चार्ज हो रही है, और ये बैटरी का कनेक्शन जाएगा इन सब में। तो अभी तो फिलहाल मैं कनेक्शन चलो अभी कर देता हूँ यार, मैं दिक्कत क्या है यार, फिर जब अभी है तो अभी कर देते हैं, चेक भी हो जाएगी कि भैया एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैं यहाँ से अपना सारा सामान उठा लेता हूँ, स्टिक का काम ख़त्म हो गया, तो स्टिक को हम रख सकते हैं, ओके। तो भैया स्टिक मैं हमेशा यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है, ओके। और ये मैंने यहाँ से हटाई थी, तो इनको अभी लगा दूँगा मैं। तो गाइस तो अभी हम कनेक्शन देने वाले हैं, बट ये पहले मैं ये एनर्जी लेज़र रिले लगा देता हूँ यहाँ। अरे यार ये गलत जगह लग गया, मुझे लगाना है इस वाले में, ठीक है, ऐसे करके। तो भाई अब मुझे देनी है पावर, इन तीनों को पावर देनी है। देखो इसमें 0 पावर है, इसमें थोड़ी सी पावर है, और ये तो फुल भरा हुआ है, मैंने कोल जनरेटर से भर दिया था। तो चलो भाई चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता, और करना तो चाहिए वैसे। तो गाइस मैं बैटरी का कनेक्शन लूँगा, अरे यार मैंने हैमर, बैटरी का कनेक्शन लूँगा इसमें, और इसका कनेक्शन लूँगा इसमें, इसका कनेक्शन लूँगा इसमें। तो भाई इस तरीके से कनेक्शन हो जाता है, और देखो यहाँ पे पावर अभी भरनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पावर अभी इसलिए नहीं भरेगी क्योंकि इसके अंदर बैटरी पूरी चार्ज नहीं हुई है।
जब ये पूरी चार्ज हो जाएगी ना, फिर उसके बाद इनमें भी मेरे ख्याल से पावर आना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर नहीं आया तो फिर हम दूसरा एनर्जी यूज़ करेंगे, जो कि होता है एनर्जी कॉन्डुइट। हाँ, तो अगर वो काम नहीं किया तो फिर हम एनर्जी कॉन्डुइट यूज़ करेंगे, जो कि ये तो आइटम कॉन्डुइट है, ये रहा एनर्जी कॉन्डुइट। और एनर्जी कॉन्डुइट बनाना कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अगर ये नहीं काम किया तो, वैसे तो यार करना चाहिए। तो गाइस, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या कुछ है क्या? तो गाइस, मैंने क्या किया है भाई, मैंने ना टाउन हॉल को जो है ना, मैंने अपडेट किया है टाउन हॉल को, ठीक है, लेवल टू में अपग्रेड किया है मैंने इसको। और आपको पता था कि मैंने ये जो था ना, हमारा ये बिल्डर हट था, इसको मैंने लेवल थ्री में अपग्रेड कर दिया, और हमारे वर्कर का लेवल 7 हो गया है, और बिल्डर का हट का लेवल 3 हो गया है। और भाई ये देख सकते हो इतना बड़ा बन गया भाई, ये देखो पूरा सामान है इसमें, इसका जो जो मतलब चीज़ें हैं, ये इसका बिल्डर हट है, और ये अच्छा खासा इन्हें अपग्रेड कर लिया है भाई, लेवल 3 में अपग्रेड कर लिया है। और देख रहे हो पूरी दुकान से बना दी, और ये देखो क्या लटक रहा है यहाँ से, क्रेन जैसा भाई, बिल्कुल सही है यार। और गाइस एक चीज़ और दिखानी थी, एक मिनट रुकिए। तो गाइस मुझे दिखानी थी अपनी क्वारी, तो गाइस यहाँ पे वो क्वारी है, देखिए गाइस, जो कि हमने बनाई थी। तो ये क्या हो गया था, ये ख़त्म हो गई थी, मतलब ये बिल्कुल बेड रॉक तक चली गई थी नीचे, तो ये नीचे बेड रॉक तक चली गई थी यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना सारा सामान भर गया भाई, कितने सारा हमारे पास आयरन हो गया पूरा, एक मतलब एक स्टैक होने वाला है। और यहाँ पे लीड ओर, और इसने एक नई सी चीज़ खोजी थी, ये वाली ईजो ओर। अब इसका काम क्या है भाई, देखते हैं। तो ईजो ओर से भाई बनेगा केबल, चलो देखेंगे आने वाले टाइम में हम। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्हें निकाल दी है। और गाइस यहाँ पर इसने एक चीज़ की और खोज कर दी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर उसने बेड रॉक तक खोद दिया भाई। ओह एक मिनट, ये क्या है नीचे, ये कुछ नया चीज़ लग रहा है, यूरेनियम ओर भाई, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है यार, ले लेते हैं इसको, चलो ठीक है। ओ डायमंड, एक मिनट, डायमंड की कमी तो हमारे पास वैसे ही हो रही थी, 5 डायमंड मिले मुझे, चलो बढ़िया है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, देखिए क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं हम इधर चलेंगे, रुको, देख रहे हो पूरा स्पाइडरमैन बन गया मैं, चलो ये यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ये एक माइन निकली है, ठीक है, इस माइन के अंदर क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मैंने इसके अंदर टॉर्च लगा दिए ऑलरेडी अंदर जा कर के। दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये देखो, ये पता है क्या है गाइस, ये है यहाँ पे ड्रैकुला का घर। तो गाइस ये ड्रैकुला का घर है, और यहाँ पे वो ब्लड वगैरह जमा करके रखता है। और ये देखो हार्ट स्ट्राइकर, मतलब दिल निकालने वाली छुरी है ये, इससे दिल निकाल के खाते हैं ड्रैकुला। तो भाई ये थोड़ा सा स्कैरी है, और ये चीज़ें मतलब वैम्पायर जो होते हैं ना, ड्रैकुलास जो होते हैं, उस उनका घर है ये, हट है उनका एक छोटा सा। और इसका यूज़ हम आप लोगों को जल्दी ही बताएंगे कि इसका क्या यूज़ है, ये हटा देता हूँ मैं। सो गाइस अभी हम बनाने वाले हैं भाई एक चाम बनाने वाले हैं, जो कि हमारे इस बबल्स में आएगा, फिट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एक अंगूठी बनाने वाले हैं हम अपने लिए, जो कि होने वाली है ये, ठीक है। तो गाइस हमें इससे जो है मतलब एक पावर मिलेगी, उड़ने की पावर मिलेगी हमें इससे, जैसे जेट पैक होता है ना इस रिंग से, सेम वैसी ही पावर मिलती है उड़ने की। तो भाई ये हमें ज़रूरी है बनानी, क्योंकि हमें नैदर में जाना है, और नैदर में हमें फोर्ट्रेस ढूंढना है, और उसके लिए हमें ये रिंग चाहिए ही चाहिए भाई। तो इस रिंग को बनाने के लिए गाइज हमें ये पहले ये रिंग बनानी पड़ेगी, और इस रिंग को बनाने के लिए पहले हमें एक गोल्डन लेसो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई ये चीज़ बना लेते हैं हम। तो ये रहा एक, और एक मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें करना क्या है हमें, अब इसमें हमें देखिए, इसमें हमें पकड़ के लानी होगी एक मुर्गी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रख देता हूँ अंदर फालतू की। तो चलो गाइज हमें एक मुर्गी ढूंढनी पड़ेगी, और वो मुर्गी पकड़ के लानी पड़ेगी, चलो ढूंढते हैं मुर्गी।
तो गाइस थोड़ा सा ढूंढने पे भाई हमें मुर्गी मिल गई है येरी। तो इसको पकड़ लेते हैं ऐसे करके। तो भाई इसके अंदर हमारे पास मुर्गी आ चुकी है, तो अभी जाना पड़ेगा हमें वापस घर पे। तो लेट्स गो, घर चलते हैं, यहाँ से घर पास ही में ही है हमारा। तो भाई घर पे आ गए हम, तो लेट्स गो। अरे ये यार, ये पहले आते हैं हमारे। तो चलो इसका क्या काम है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमें बनानी होगी पहले ये एक रिंग। तो इस रिंग के लिए भाई ये रेसोनेटिंग रेड स्टोन चाहिए होता है, ये हमें मिल गया था। और अगर आपके पास ना हो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आपको एंडर शार्ड चाहिए होंगे, पहले आपको एक ग्लास कटर बनाना पड़ेगा और एक एंडर पर्ल चाहिए होगा। अगर आपके पास एंडर पर्ल नहीं हो, वैसे मेरे को तो एंडर पर्ल मिल गया था एंडर पर्ल को मार के। अगर आपके पास एंडर पर्ल नहीं है तो आप शॉप पे जाइए, इस तरीके से शॉप पे जाइए और यहाँ पे आप एंडर सर्च कीजिए। ये रहा, आप 150 पॉइंट का एंडर पर्ल खरीद सकते हैं एक, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो अब बनाते हैं हम ये वाला रिंग, ठीक है। तो अब बस ये बीच में रखना है और ये रिंग आ गया भाई, ठीक है। तो भाई ये एक रिंग आ गया है हमारा चिकन रिंग। तो गाइज ये क्या करेगा, अभी इसमें लिखा हुआ है बीस्ट यूज 1 GP फ्लाइट द मैजेस्टिक बीस्ट। तो भाई ये कुछ फ्लाइट जैसा कुछ करता है, देखते हैं क्या करता है। इसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है क्या, एक मिनट। ओके गाइस, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि भाई ये जो है ना, ये काम नहीं कर रहा है चार्म्स। अब ये चार्म्स कैसे काम करेगा, आप इसमें देख रहे हैं ग्रिड पावर लिखा हुआ है, यूज 1 GP। तो भाई हमें इनको पावर देना होता है, तो इनको चार्म्स को पावर देने के लिए एक चीज़ बनती है जो कि अभी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब उसको पावर देने के लिए गाइज हमें ये बनाना पड़ेगा वाटर मील, ठीक है। वाटर मील बनाने के लिए गाइज हमें ये वाला स्टोन लगेगा। तो ये वाला स्टोन बनाने के लिए भाई बहुत सिंपल, हमें ये रेसोनेटर बनाना पड़ेगा एक, और रेसोनेटर में ये स्टोन बनते हैं। तो चलो रेसोनेटर बनाते हैं। तो रेसोनेटर गाइज बनाना बहुत इजी है, मतलब कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगता है। इसमें आयरन लगता है और ये कि भाई एक क्रिस्टल है जो ये लगता है, और ब्लॉक ऑफ कोल लगेगा। तो ये आ गया हमारा रेसोनेटर। और गाइज इसके ऊपर हमें एक मशीन लगानी पड़ती है जिसका नाम है मैनुअल मील, मतलब ये मील बनानी पड़ती है हमें। तो इस मील को बनाने के लिए भाई पॉली स्टोन चाहिए होंगे, और पॉली स्टोन बनाना बहुत इजी होता है। देखिए इस तरीके से आप ये ब्रिक्स को रखिए तो आपको पॉली स्टोन मिल जाएंगे 4, ठीक है। और फिर ये एक रेड स्टोन गेयर बनाने पड़ेंगे हमें। तो टॉर्च नहीं है हमारे पास, ओके टॉर्च बना लेते हैं अभी। आई थिंक ये बन जाएगा, 1 2 3 4, तो हमने 4 बना लिए। तो गाइस अभी हम ये एक क्या रह गया यार, अच्छा पॉली स्टोन नहीं है हमारे पास, तो बन सकते हैं, ओके बन गए, वेरी नाइस। तो अभी बन गया भाई ये, ठीक है। तो गाइस हमें थोड़े से पॉली स्टोन भी चाहिए होंगे, ठीक है, ओके। तो अब इसका काम क्या है, इसका काम गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको ऐसे करके कहाँ रखूँ मैं, इसको आप कहीं भी रख सकते हो, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है ये, बाद में आप इसको तोड़ भी सकते हो। तो गाइस इसके ऊपर ये ऐसे लगेगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर ऐसे लगने के बाद हमें इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, बट इसके अंदर हमें रखने पड़ेंगे ये स्टोन ऐसे करके, ठीक है। और गाइस जैसे करके हम इसको घुमाएंगे तो हमें देखो यहाँ पे ये पावर देखो बंद हो गया यार, इसको पावर चाहिए होती है गाइस, और ये पावर हमें हाथ से ही करनी पड़ेगी। तो देख रहे हो एक स्टोन बन गया। तो ऐसे ही करके गाइज आपको बहुत सारे स्टोन बनाने पड़ेंगे। अब मैंने तो थोड़े से बना के रखे हुए थे पहले से, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो मैंने स्टोन पहले से बना के रखे हुए थे। तो अभी बनाने पड़ेंगे गाइज हमें ये वाटर मील। तो गाइज ये बनाने के लिए हमें ये 2 गेयर चाहिए, एक ये क्रिस्टल चाहिए होगा, और ये 6 स्टोन चाहिए होंगे ये वाले, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे 3, ठीक है, और एक ये हो गया, तो 4, तो हमें टोटल 4 चाहिए थे। अभी हमें चाहिए होगी एक बकेट, ये वाला बकेट ले लेते हैं, एक बकेट और बना लेते हैं। चलो गाइज अभी हमें इन बकेट को पानी की भरना है। और गाइज देखिए मैंने घर में ना घासें लगाई है,
क्योंकि गाइस मैं चाहता था कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने घासें लगाई है घर में और ये एक दीवार मेरी रहती है, इसको भी धीरे धीरे जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे हम। तो गाइस अभी हमें पानी चाहिए होगा और पानी भरने के लिए भाई हम यहाँ से इतने बड़े समुंदर का यूज़ कर सकते हैं। तो दो बकेट वाटर का आ गया हमारे पास। तो गाइस अभी हमें एक चीज़ बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो हम शायद घर पे बना, घर के ऊपर भी बना सकते हैं वो चीज़। अबे यार इन्होंने परेशान कर दिया। और यहाँ पे हम अपना काम करने वाले हैं अभी, ठीक है। इस मशीन को हम यहाँ छत पे सेटअप करेंगे। और भाई ये मशीन किस तरह से सेटअप होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इस मशीन को हमें ऐसे करके बीच में रखना है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके चार ब्लॉक साइडों में हमें लगा देना है ये पत्थर, ऐसे करके 1 2 3 4, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में होना चाहिए। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें पानी की, ठीक है। ये आया पानी यहाँ से, और अब ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे भी पानी की। ये आया पानी यहाँ से। तो गाइस अब ये पानी का बहाव देख रहे हो आप, ये पानी का बहाव ये जो है ना इसमें एनर्जी बनाता है। ये देखो ये जो पावर ग्रिड पावर, देखो इसमें एनर्जी बन रही है ना। तो एक ब्लॉक में जो है ना 16 पावर होता है, मतलब 16 का पावर होता है। और ये पावर हमारा यूज़ होगा भाई इसके अंदर, रिंग्स के अंदर। देखो हो रही है ना ग्रिड पावर, दिख रहा है आपको हिलता हुआ। तो यही पावर होती है भाई जो कि हमारे इनको चार्ज रखेगी। अभी देखो मैं कूद के दिखाऊं, अभी स्लो फॉलिंग होगी। ये देखो, देख रहे हो, तो ये काम होता है। और एक ये पावर देख रहे हो, पावर आई मेरे एक बॉडी पे बनी हुई। ये देखो, हाँ ये देखो, देख रहे हो क्या मस्त। तो भाई इसी पावर की मैं बात कर रहा था, यही पावर हमें बनानी थी, ठीक है। तो गाइस अभी एक से तो काम बनेगा नहीं, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा करनी होगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा पावर के लिए भाई हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मशीन लगानी होगी, इसीलिए हमने चार मशीन लगाई थी। तो गाइस 64 जो है पावर हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। बस मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे करके, ये हो गए कनेक्ट। तो 64 पावर हो गई भाई, और ये इसमें भी 64 हो गई होगी। ओके नाइस, एक मिनट। सो गाइस कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आप इनको कनेक्ट करो या ना कनेक्ट करो। देखो ये अब तब भी काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको कनेक्ट करोगे, तो आप स्पेस दबा के रखोगे तो देख रहे हो कितना मस्त स्लो फॉल मिल रहा है मुझे। और इसकी एक लिमिट होती है, जो कि लिमिट आपको हॉट बार में दिखती है, हॉट बार के ऊपर जहाँ पे मेरी हेल्थ है। तो गाइज यार ये चार्म्स जो है कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, बट इसमें एक और चार्म्स बनता है जो कि बहुत ओपी है। तो इसके लिए हमें ये एक चीज़ बना के लानी पड़ेगी। ये एक तो हमने बना ही रखा था, तो ये हम ले लेते हैं, क्या नाम था उसका, गोल्डन कुछ करके था ना, ये रहा। तो ये ले लेते हैं भाई, और हमें एक पकड़ के लानी है स्क्विड, ठीक है। एक स्क्विड पकड़ के लानी है हमें। तो स्क्विड तो हमारे घर के आसपास बहुत सारी हैं, येरी यहीं से पकड़ लेते हैं। तो पकड़ ली गाइस हमने स्क्विड, एक स्क्विड पकड़ ली हमने। अब ये स्क्विड मैंने किस लिए पकड़ी मैं आपको बताऊँ। देखो इसके लिए एक मिरर लगता है, ये वाला गोल्डन लेसन, ठीक है। वो तो मेरे पास था खाली, लेकिन इसके अंदर देखो स्क्विड लिखा हुआ है, तो वो स्क्विड हमें पकड़ के लानी थी, ठीक है। तो अभी हम पकड़ के ला चुके हैं। ये वाली रिंग हमारे पास ऑलरेडी है। दो डायमंड चाहिए, एक अंडर पल चाहिए और ब्लैक डाई चाहिए। तो अंडर पल शायद है मेरे पास। ओके दो अंडर पल हैं मेरे पास, तो बात बन जाएगी भाई। तो चलो यार बनाते हैं फिर ये रिंग। अब बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, ये और हमारी ये रिंग। तो भाई ये रिंग अब बन जाएगी बहुत ओपी, और हमें मिल जाएगी एक नई रिंग। अच्छा ब्लैक डाई कम पड़ रही है यार। तो गाइस दो इंक शेक मिल गए मुझे, तो चलो भाई चलते हैं फटाक से घर पे। अभी आई थिंक काम हो जाना चाहिए भाई हमारा। ओके गाइस तो बन गई गाइस हमारी रिंग। ओके नाइस, अभी मज़ा आएगा भाई। देखो अभी देखो ये क्या काम करती है। वेट अ सेकंड गाइस, दिल थाम के बैठिएगा। तो गाइस आई थिंक अभी हमें शिप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें शायद मुर्गी की। अब शिप की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें वीट भी नहीं चाहिए। तो एक चीज़ हमारी इन्वेंट्री से कम हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ओके गाइस तो देखिए गाइस ये रिंग को हमें रखना है अपने इस हॉट बार में, कहीं पर भी रख सकते हैं हम इसको, ठीक है।
और ये आइस, आइस को कहीं भी पहन सकते हैं हम। बढ़िया। तो गाइस ये रिंग देखिए, ग्रिड पावर लेना शुरू कर दिया है इस रिंग ने। 16 GP की इसकी पावर है, लेकिन हमारे पास 64 है, तो और ज़्यादा बढ़िया है भाई। देखो अब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ बाहर चल के। ये देखो गाइस, देख रहे हो, एक तरह से मैं क्रिएटिव मोड में पहुँच गया हूँ। मतलब मुझे ये वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं इसको, उड़ने की पावर मिल जाती है इस रिंग से। और एक चीज़ और यार, ये पूरा कंप्लीट नहीं किया इसने। एक मिनट रुको, कुछ चाहिए क्या इसको, क्या चाहिए भाई? ओ 52 ग्लास चाहिए इसको यार, लेकिन ग्लास तो यहाँ पे बहुत सारे थे ना यार। मैंने इतने सारे ग्लास बना के दिए थे इसको ऑलरेडी, ख़त्म कर दिए गए इनने, सारे ख़त्म कर दिए यार। इसको और ग्लास देने पड़ेंगे। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी पहले हम इसको टेस्ट करते हैं यार थोड़ा सा, ठीक है? चलो अभी आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली ग्लव्स की। ये देखो गाइस, देख रहे हो। और इसके अलावा गाइस, अगर मैं ग्लाइडर और ये दोनों चीज़ें यूज़ करूँ ना, तो देख रहे हो मैं ऊपर जा सकता हूँ इन्फानाइट, और जैसे मुझ पावर ख़त्म होगी तो मैं नीचे आ सकता हूँ। और एक चीज़ और गाइस, हमें श्योर करनी पड़ेगी कि हम किसी और वर्ल्ड में भी जाएँ तो ये हमारा काम करता रहे। तो उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे, एक मिनट मैं कहीं गिर ना जाऊँ, उसके लिए गाइस हमें ये चंक लोड जो है ना, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। लोड, अच्छा चंक लोड इसके अंदर है, ये रहा। तो मुझे अपने घर का जो चंक लोड है वो ठीक करना पड़ेगा, ताकि जो है, एक मिनट, अरे यार मैं घर से कितनी दूर आ गया। चलो गाइस आ गया मैं नीचे। तो हम, मैं कह रहा था कि हमें अपने घर का जो चंक लोड है ना वो ठीक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। एक मिनट, ये देखो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया हो ना एरिया, तो इसको हमें चंक लोड करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा हमें इसको, ताकि हम दूसरे कहीं पर जाएं वर्ल्ड में तो ये फिर भी काम होता रहे यहाँ पे, ठीक है? मतलब ये एनर्जी रुके ना आपकी, क्योंकि अगर हम नेदर वगैरह में जाएंगे ना तो यहाँ की ये जो मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, ये सब हमारी चीज़ें रुक जाती है। तो हमें अगर दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो भाई इस चीज़ को आप क्लेम कर लेना, ठीक है? चंक लोड को क्लेम कर लेना, ताकि ये जो है पीछे से भी काम करता रहे। जैसे कि अगर हम अभी नैदर में चल के दिखाऊं मैं आप लोगों को, बट गाइस नैदर थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट चलो चल के दिखाते हैं यार, थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। अरे मेरे पास फूड नहीं है यार, शिट। तो गाइस मैंने थोड़ा सा काम किया था भाई नैदर में, तो देख रहे हो गाइस। अरे अरे यार शिट, नहीं 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 नहीं, अरे भाई नहीं यार, नहीं 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 भाई। ओ माई गॉड गाइस, पंगा हो गया यार, होली शिट मैन, ये क्या हो गया यार, ये होना तो नहीं चाहिए था। अरे मेरा घर कहाँ है, वाट टू हैक। अरे यहाँ पे रैंडम स्पॉन क्यों हो गया मैं यार, ये तो अजीब है भाई, मैं रैंडम स्पॉन हो गया। वैसे घर तो मेरा वो रहा, दिख रहा है मुझे मेरा घर मैप में, ये रहा, ये रहा, बट मैं इतनी दूर कैसे स्पॉन हो गया अपने घर पे, मैं बेड पे क्यों नहीं स्पॉन हुआ? तो यार घर पे आ गया मैं, मेरा बेड स्पॉन नहीं हो रखा था क्या, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। और मैं यार नैदर में अब मुझे जाना पड़ेगा यार रिस्क लेके, मैं पता नहीं नैदर में ये मशीन काम क्यों नहीं करी यार, आई डोंट नो। चंक तो क्लेम किया हुआ है मैंने, फिर भी मुझे लगता है चंक क्लेम नहीं हुआ भाई, आई थिंक। और मेरी ग्रेव है क्या, या मेरा सारा सामान गया? वैसे मुझे मेरी ग्रेव दिख तो रही है, लावा के ऊपर है यार, आई थिंक शायद से मैं ले सकूं अपना सामान। नहीं यार मुझे मेरा सामान नहीं मिलेगा अब, शिट मैन। देखो यार मैं रैंडम पता नहीं क्यों स्पॉन हो रहा हूँ यार, ये क्या दिक्कत है भाई। योर होम बेड वॉज मिसिंग ऑब्स्ट्रेक्टेड, भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा घर पे वापस। मैंने गाइस ये यार ये बेड मुझे लगता है मैंने गलत वाला बेड लगा लिया है, मैं दूसरा बेड बनाता हूँ यार। मैंने ना ये वाला बेड बनाया था, ये वाला बेड बनाया था मैंने सिक्योर्ड बेड, बट यार ये काम का नहीं है सिक्योर्ड बेड,
मुझे दूसरा बेड बनाना पड़ेगा। आई थिंक यार अभी ये काम कर देना चाहिए। चलो सेट हो गया। यार मैं नेदर में मर रहा हूँ, मैं बेड पे क्यों नहीं आ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। भाई मैं अपना सामान खोना नहीं चाहता। यार फिर से मर गया यार मैं, ये तो बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई। नींद लेनी पड़ेगी लग रहा है। और यार क्या चंक लोड ने काम क्यों नहीं किया यार? लोड तो किया हुआ यार मैंने यहाँ पे, क्लेम किया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो बनाना पड़ेगा भाई, मुझे कुछ फायर पोशन लेना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ बनाई थी ना फायर पोशन के लिए। सो गाइस यार मैं ये कोंगरेला स्लिम का यूज़ करने वाला हूँ। आई थिंक ये मुझे फायर रेसिस्टेंस देगा जो हमने नेदर से लेके आए थे। तो देखते हैं भाई, ट्राई करके कुछ काम करता है कि नहीं करता। ये टेस्ट करने का वक्त आ गया है इसको। ये हमें एक मिनट तक फायर रेसिस्टेंस देगा। चलो अभी चल के देखते हैं भाई कुछ तो हो। चलो अभी हम देखते हैं फायर रेसिस्टेंस मिलता है कि नहीं मिलता। ओके फायर रेसिस्टेंस दे रहा है ये हमें, नाइस। तो भाई सामान मिल गया हमें अपना, और भाई वो काम भी कर रहा है। पहले क्यों नहीं काम किया यार इसने, मेरे को ये समझ नहीं आया। ओके अरे यार, अरे भाई कर दे काम यार, ठीक से चढ़ जाओ ऊपर। आई थिंक वो मेरा बेड नहीं लगा था उसकी वजह से शायद से हो सकता है ये काम नहीं किया। बट देख रहे हो अभी ये काम कर रहा है मस्त। अरे भाई ये तो देखा ही नहीं मैंने यार। कुछ इस तरीके से अब हम इनको मार सकते हैं। और ये यार ये भाई मरेगी तो है तू, चिल्लाने वाली। अबे मर क्यों नहीं रही है? ओके मर गई, नाइस। तो गाइस क्या कंप्लीट किया भाई मैंने ऐसा जो ये इतना तगड़ा म्यूजिक आया। चलो कोई नहीं गाइस, जो भी है भाई हमने अचीवमेंट कंप्लीट किया। और भाई ये भी चेक कर लिया कि भाई ये जो रिंग है नेदर में काम करती है, लेकिन भाई पहले की पता नहीं क्यों नहीं काम करी। बाकी चलो यार अभी किया इसने नेदर में काम और अच्छे से किया। तो गाइस आई थिंक यार आज हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, और यानी कि आज का हमारा काम हो गया है। और भाई ये एक एक्स्ट्रा की है मेरे पास, इसको फेंको, किसी काम की नहीं है फिलहाल तो ये अभी। तो भाई हमें मिल गई उड़ने वाली पावर गाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ यार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखना चाहते हैं तो और भी यार बहुत कुछ है यार करने को हमारे इसमें वर्ल्ड में। और भाई हमारा ये भी बन रहा है अब तो, और हमें तो भाई अब तो उड़ने की इन्फानाइट पावर मिल चुकी है। यार मुझे एक है ना चेस्ट लूटनी है, एक ऊपर चेस्ट होती है वहाँ में, मैंने उसको कई बार देखा है। तो यार मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। और भाई ये अजीब सा है यार ये चेस्ट देखने में। तो गाइस लूट लिया भाई हमने चेस्ट, नाइस। तो अब यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं घर की तरफ। तो गाइस यार चेस्ट लूट लिया हमें, ये हार्ट पैट मिला है, पता नहीं क्या होता है भाई इससे। अगर मैं ये अपना ये हटा दूँ तो क्या ये कुछ रीजनरेट करेगा? भाई ये कुछ रीजनरेट नहीं कर रहा है। और भाई मैं तो मरने वाला हूँ, बच गया। अरे यार क्या भाई इतने सारे। ओके गाइस ये पैट पता नहीं भाई क्या रीजनरेट करता है। राइट क्लिक टू
पता नहीं क्या रीजनरेट करेगा ये। ओके तो गाइस मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे हार्ट रीजनरेट कर रहा है ये, नाइस। और इसकी क्या पावर कम होती है? हाँ इसकी पावर कम होती है, ये एक तरह का फूड आप लगा सकते हो। तो भाई देख रहे हो हार्ट रीजनरेट कर रही है। तो गाइस आज का काम हो गया भाई हमारा, तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और गाइस लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर एंड चाओ चाओ।